तो ब्रह्मा जी ने नारद जी को कहा कि नारद, शिव और शक्ति के द्वारा विष्णु भगवान का प्रागट्य हुआ और विष्णु ने 12,000 साल तक तपस्या की, विष्णु के नाभि में से कमल खिला, विष्णु के अंग में से जलधारा प्रकट हुई, पूरा जगत जल से भर गया, विष्णु भगवान ने जल में शयन किया और इस कमल में एक दिव्य पुरुष को प्रकट किया गया जिनका पहला नाम कमलोद है, पद्मज। प्रश्न उठा कि मैं कौन हूं, मुझे प्रकट करने वाला, मुझे सर्जन करने वाला कौन है। प्रश्न का प्रत्युत्तर लेने के लिए कमल पर भ्रमण किया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। बाद में आकाशवाणी हुई, तपस्या करो। कमलोद ने तपस्या की, उसके सामने आदि पुरुष आदि प्रकृति का प्रागट्य हुआ और प्रश्न किया कि मैं कौन हूं। तब आदि पुरुष और प्रकृति ने कहा कि निराकार में से प्रकट हुए, मैं आदि शिव, मैं ये आदि शक्ति है, हमारे द्वारा आपका प्रागट्य हुआ है, आपका मूल नाम ब्रह्मा जी हैं, आपके द्वारा सृष्टि का सुंदर सर्जन होगा। शिव और शक्ति ने इस ब्रह्मा जी को सृष्टि सर्जन करने की शक्ति प्रदान की और ब्रह्मा जी ने सुंदर सृष्टि की रचना की। पहले तो देवता है सृष्टि, मानव सृष्टि, दानव सृष्टि, भूतादि सृष्टि, नभचर जलचर भूचर सब जीव जंतु को ब्रह्मा जी ने सर्जन किया। इतना सुंदर ब्रह्मा जी ने सर्जन किया और सर्जन करते करते ब्रह्मा जी ने भगवान शिव की शरणागति स्वीकार ली कि अब मैं कैसे क्या सर्जन करूं। तब रुद्रदेव ने ब्रह्मा के सामने अर्धनारीश्वर रूप का दर्शन कराया, अधेंग में पुरुष और अधेंग में नारी। ब्रह्मा ने कहा कि भगवान आप तो अधेंग में पुरुष हैं, अधेंग में आप तो नारी हैं। ब्रह्मा सृष्टि का सर्जन सरल बनाने के लिए आप एक अंग में से पुरुष को प्रकट करें, एक अंग में से नारी को प्रकट करें। नारी और पुरुष को प्रकट किया गया। मनु और शत्रुपा ने सुंदर जगत के सर्जन के लिए बहुत बड़ा सुंदर ग्रंथ लिखा, मनुस्मृति, मानव धर्म, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, कैसे रहन सहन होने चाहिए। हम लोग देव सोमनाथ के सानिध्य में कथा सुन रहे हैं, कथा सुनकर पुण्य मिले ना मिले उसका कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन कथा सुनकर जीवन का थोड़ा परिवर्तन करना चाहिए, वही परमात्मा की पूजा रहनी चाहिए। कथा सुनकर हमारा वाणी, वर्तन, हमारा जीवन, हमारे आहार में बदलाव, हमारे व्यवहार में बदलाव, हमारी वाणी में बदलाव, हमारे विचारों में बदलाव, वही भगवान की पूजा है।